टीटीपी और तालिबान के हमलों के बीच पाकिस्तान को एक बड़ी हार मिली है। कुछ दिन पहले तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बातें कर रहा था, आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सामने घुटनों पर बैठ गया है। तालिबान से माफी मांगने के लिए खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ को अफगानिस्तान जाना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान अब तालिबान के हमले नहीं झेल पा रहा। आपको बता दें कि तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान की सीमा और बड़े शहरों पर हमले कर रहे हैं और बिना रुके कर रहे हैं। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वो धमकी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। धमकी मिलते ही तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी और तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया। आपको बता दें कि तोरखम बॉर्डर बंद होते ही दोनों देशों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही बंद हो गई, जिसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा। तालिबान के इस कदम के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ अचानक काबुल पहुंच गए। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सीमा पर आतंकी हमले रोक दे और टीटीपी को समर्थन देना बंद कर दे। टीटीपी ने पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रखे हैं। टीटीपी अब इस्लामाबाद, कराची और पेशावर जैसे बड़े शहरों पर हमले कर रहा है। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को पूरा समर्थन दे रही है। इसी मुद्दे को उठाने पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गया, उसी अफगानिस्तान जिस पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान हमले करने की बात कर रहा था। पाकिस्तान ने कहा था कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान के जिन जिन इलाकों में छिपे हैं वहां सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। अब सर्जिकल स्ट्राइक का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान में हाथ जोड़े खड़ी हुई है। मजे की बात देखिए कि अफगानिस्तान पहुंचने के बाद भी पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा है। पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब देकर भेजा है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ कदम उठाने पर विचार करेगा। यानी तालिबान ने पाकिस्तान के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया। कई एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में था, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तालिबान बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद भड़क गया था और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। इसी धमकी के बाद अचानक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ काबुल पहुंचे थे। बहरहाल एक लाइन में कहानी समझाए तो अफगानिस्तान पर हमलों की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज वहीं जाकर माफी मांग रहा है। ये पाकिस्तान की बड़ी हार है।